मेरी 12 kg की वॉशिंग मशीन है, क्या मैं उसमें अपना सिंगल प्लाई ब्लैंकेट वॉश कर सकती हूँ? जबकि मुझे लगता है कि हैवी हो जाएगा। तो उनके जो टेक्नीशियन थे उन्होंने यही कहा था कि ब्लैंकेट तो आप अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ना वॉश करें तो बेहतर है, क्योंकि उन्होंने ब्लैंकेट का तो ऑप्शन दे दिया है, लेकिन इससे जो है वो शॉक भी टूट सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिना सेवन, मेरा घर मेरी जन्नत में आप सबको खुश आमदी। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो है मेरी उन व्यूअर्स के लिए जो ब्लैंकेट वॉश करना चाहते हैं अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, और ब्लैंकेट से रिलेटेड उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो आज की वीडियो में जस्ट ब्लैंकेट से रिलेटेड जो है कमेंट्स के आंसर देना चाहूंगी, ताकि बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो और ईजिली जो है आप अपनी प्रॉब्लम का आंसर इसमें ले लें। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है ब्लैंकेट वॉश करने की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से रिलेटेड, तो आप कमेंट में अपने जरूर क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो हमारे पास कमेंट रिसीव है, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम सिस्टर। मेरी 12 kg की वॉशिंग मशीन है, क्या मैं उसमें अपना सिंगल प्लाई ब्लैंकेट वॉश कर सकती हूँ? जबकि मुझे लगता है कि हैवी हो जाएगा आपके ब्लैंकेट से। मेरा ब्लैंकेट हैवी है, और ये भी बताएं कि ब्लैंकेट का कितना वेट होना चाहिए। देखें सिस्टर, अगर आपकी 12 kg की वॉशिंग मशीन है तो वो कहते हैं कि आप वेट होने के बाद आपके लॉन्ड्री जो आपने अपने वॉशिंग मशीन के अंदर डाली है उसका वेट 12 kg होना चाहिए। तो ज़्यादातर आपका अगर सिंगल प्लाई का सिंगल बेड का ब्लैंकेट है तो आप इजीली उसे वॉश कीजिए, कोई मसला नहीं है। अगर डबल प्लाई का भी सिंगल बेड का ब्लैंकेट है तो भी आप उसे वॉश कर सकती हैं इजीली। लेकिन देखें, ब्लैंकेट आपने डेली के डेली वॉश नहीं करना है, वो आप 6 months में एक दफ़ा वॉश करते हैं। सर्दी आने से पहले वॉश कर लिया, सर्दी जाने के बाद वॉश करके रख लिया, इस तरीके से जो है आप वॉश करते हैं, बीच में आप वॉश नहीं करते हैं। तो एक या दो दफ़ा वॉश करने से वॉशिंग मशीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप वीकली धोएंगे, आप मंथली धोएंगे, तो वॉशिंग मशीन के ड्रम को फैक्ट पड़ सकता है और उसका ड्रम टूट भी सकता है, उसके शॉक्ट वगैरह भी टूट सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप एक ही दफ़ा उसे वॉश करें। इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है ब्लैंकेट्स रिलेटेड, वो हैं, ये कहती हैं, मेरा कंबल भी सिंगल प्लाई का डबल बेड का है, मगर हायर की कंपनी के बंदे ने मना कर दिया, प्लीज़ एक्सप्लेन मी, उसने बोला कि शॉक्स टूट जाएंगे। देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैंने भी हायर वालों से पूछा था तो उनके जो टेक्नीशियन थे उन्होंने यही कहा था कि ब्लैंकेट तो आप अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ना वॉश करें तो बेहतर है, क्योंकि उन्होंने ब्लैंकेट का तो ऑप्शन दे दिया है, लेकिन इससे जो है वो शॉक भी टूट सकते हैं और जो है ड्रम भी टूट सकता है। तो बेहतर है कि आप वॉश ना करें। लेकिन देखें, मैं उसके लिए एहतियात बता चुकी हूँ, आप सिंगल प्लाई का आंख बंद करके वॉश कर सकते हैं ब्लैंकेट, चाहे वो डबल बेड का है चाहे वो सिंगल बेड का है, आप सिंगल प्लाई का वॉश कर सकते हैं। लेकिन डबल प्लाई का वॉश करने से पहले 100 दफा सोचें, बेशक वो सिंगल बेड का है, डबल प्लाई का ब्लैंकेट, चाहे वो सिंगल बेड का है चाहे वो डबल बेड का है, लेकिन आप डबल प्लाई का ब्लैंकेट वॉश ना करें तो बेहतर होगा। इसके अलावा मैंने डबल प्लाई का ब्लैंकेट मैंने अपनी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में वॉश करना बताया, आप उधर जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक देख सकते हैं, इसे डिटेल में मैं बता चुकी हूँ। सिंगल प्लाई डबल प्लाई क्या होता है ये भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप इजीली मेरी वीडियो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ब्लैंकेट वॉश करते हैं जैसे कि मैंने किया है, तो उसके लिए आपने कुछ प्रिकॉशंस आपने देखनी है। उसके लिए आप प्रिकॉशंस क्या देखेंगी, आप सबसे पहले आप ये देखेंगी कि आपका जो ब्लैंकेट का ऑप्शन दिया गया है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, आपने उसमें ही जो है अपना ब्लैंकेट जो है वॉश करना है। यानी कि आप वॉश टाइम ना बढ़ाएं, आप रिंस टाइम ना बढ़ाएं, आप स्पिन टाइम ना बढ़ाएं, जो ब्लैंकेट ने दिया है आप उसमें डालें और उसी में वॉश कर लें, तो भी आपकी वॉशिंग मशीन को कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा और ब्लैंकेट अगर आप वॉश कर रहे हैं अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, तो आपने लाजमी ये देखना है कि उसका प्रोसेस कम्प्लीट हो, यानी कि ये ना हो कि वॉश करने के बाद मशीन बार बार रिंस पर चली जाती है। तो आपने ये खड़े होकर देखना है कि इस तरह से ना हो, अगर मशीन बार बार रिंस पर चली जाती है क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, वॉश कर पा रही है कि नहीं, आपने इजिली देखना है। कहीं अगर आपको गड़बड़ लगती है आपने वहीं वॉश करना बंद कर देना है, आपने वॉश नहीं करना है, ताकि आपके वॉशिंग मशीन को कोई खतरा ना हो। इसके अलावा बेहतर यही होगा कि आप जो है अपने सामने वॉश करें, सिंगल प्लाई का डबल बेड का ब्लैंकेट आप इजीली वॉश कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, मशीन ने इजीली वॉश कर दिया था और ये शॉक टूट जाएगा, वो आपको एहतियात बता रहे हैं। तो अगर एहतियात बता रहे हैं तो आप एहतियात
करें। अगर आप जो है ड्राई क्लीनर से वॉश करवा सकते हैं ब्लैंकेट तो डेफिनेटली करवा लें, 400-500 में वॉश हो जाता है ड्राई क्लीनिंग के अंदर, इजीली वॉश कर देते हैं वो ब्लैंकेट को, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, वो सॉफ्ट भी होता है। और अगर आपके पास सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आस पड़ोस में है तो आप वहाँ जाके वॉश कर सकते हैं। अगर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ही आपने वॉश करना है तो सारी एहतियात आपको लाजिम है कि आपने उसे प्रोसेस को देखना है, उसका कंप्लीट प्रोसेस देखना है, बीच में रुके ना, क्योंकि आपने सुबह अगर वॉशिंग मशीन के अंदर ब्लैंकेट डाला और आपको शाम को याद आया तो भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कि आपकी वॉशिंग मशीन के शॉक वगैरह टूट जाएं। तो बेहतर यही होगा कि आप एहतियात करें और वॉशिंग मशीन के अंदर कंबल डाल के आपने नहीं भूलना है, वॉशिंग मशीन के पूरे प्रोसेस को मॉनिटरिंग करनी है आपने एंड टाइम तक। तो ये थे व्यूअर्स ब्लैंकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि उम्मीद है मैंने पूरी कोशिश की है आपको देने की और आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से आप अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ब्लैंकेट वॉश कर सकते हैं। उसकी कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि मैं साथ के साथ वॉश करते हुए बताती भी रहती हूँ, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, फेस करनी पड़ जाती हैं जब आप प्रैक्टिकल में जाते हैं। तो उम्मीद है आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे और आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।